ઓફ વડોદરા। कॉमर्स फेकल्टी में एडमिशन प्रक्रिया दरमियान केटलाक विद्यार्थियों फी नहीं भरी शकता आवा विद्यार्थियों ने एडमिशन रद्द करवामां आवता जेना विरोध में विद्यार्थी संगठन द्वारा आवेदनपत्र आपवामां आव्युं हतुं। आज निखिल सोलंकी की आगेवानी हेठळ एमएस यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस खाते आवेदनपत्र आपवामां आव्युं कि कॉमर्स फेकल्टी में जे एडमिशन प्रोसेस चालू छे तेमां घणा बधा विद्यार्थियों फी भरवाथी रही गया छे तो तेओने सेकेंड चांस आपवाने बदले तेमनुं एडमिशन रद्द करवानुं कहेवामां आवे छे जे बिलकुल योग्य नथी। માટે તેઓને ફી ભરવા માટે સેકન્ડ ચાન્સ આપવામાં આવે તેવી માંગણી સાથે લકુલેશ ત્રિવેદીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। आज रोज कॉमर्स फेकल्टी में जो एडमिशन प्रोसेस चालू थी तेमां घणा बधा विद्यार्थी पोतानी प्रॉब्लम ने लेने आया था। तेमनी प्रॉब्लम ए हती के तेमनी फी भरवानी रही गई थी, परंतु यूनिवर्सिटी द्वारा हजू सुधी एक ज वक्त फी भरवानो चांस आपवामां आव्यो छे। अत्यार सुधीनो इतिहास छे के जो विद्यार्थीनो एडमिशन फी भरवानी रही जाए तो ए लोकोने बीजी तारीख त्रीजी तारीख आपवामां आवे छे, परंतु आ वक्त एवुं कंई ज करवामां नहीं आव्युं। एक वक्त मैं वेबसाइट बंद कर दी थी, हवे विद्यार्थी ज्यारे डीन सर पासे जाए छे त्यारे डीन सर एवुं कहे छे के तमारुं एडमिशन नहीं थाय, तमारुं एडमिशन केन्सल करवामां आवशे। पोतानुं मंतव्य आपीने पोते डिसिजन आपी दे छे। आ तो एवुं लागे छे के एमएस यूनिवर्सिटीमां कॉमन एक्ट आव्यो नथी, तेम छतां 27 एवुं मानी बेठा छे के कॉमन एक्ट आवी गयो छे, तो आ चलावी लेवामां नहीं आवे। जे लोकोनी फी भरवानी बाकी छे ते लोकोने फी भरवानो मोको आपवामां आवे, अने जे લોકો એડમિશનના ક્રાઇટેરિયામાં આવે છે જે લોકોને 70%, 80% છે, 90% છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ પણ આવીને પાછા ગયા છે તો તે લોકો માટે પણ નવી તારીખ આપવામાં આવે તે માટે આજે અમે હેડ ઓફિસમાં રજૂઆત કરવા માટે આવે છે।